तो दोस्तों हम ये टॉपिक की प्रैक्टिस सेट 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 1 का पहला एग्जांपल यहां पे दिया हुआ है, बेस ऑफ ट्रायंगल इज 9 एंड हाइट इज 5। पहले ट्रायंगल की जो बेस है वो 9 दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है 5। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल है जिसका बेस दिया हुआ है 10 एंड हाइट इज 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल, वो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना। अब सबसे पहले तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ये हम फाइंड आउट करेंगे। पहले दिया हुआ है पहला ट्रायंगल जो है इसका बेस है 9 और हाइट है 5। सो वी राइट हियर B1 फर्स्ट ट्रायंगल 9 ये होगा बेस और इसकी हाइट है H1 इज द 5। ये हम लिख लेंगे, पहले जो गिवन डेटा है वो लिख लेंगे। बेस ऑफ अनदर ट्रायंगल इज 10, तो बेस सेकंड ट्रायंगल है इसका बेस 10 है, सो B2 इक्वल्स टू 10 और हाइट ऑफ अनदर ट्रायंगल is 6, so H2 equals to 6 and we have to find out the ratio of this triangle। तो इसका पहला ट्रायंगल A1 और दूसरा ट्रायंगल आता है A2, इनका रेशियो हम फाइंड आउट करना है, मतलब A1 अपॉन A2 हमें फाइंड आउट करना है। तो अब हमने पहली प्रॉपर्टी देखी थी एरिया ऑफ रेशियो ऑफ टू ट्रायंगल्स, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पोंडिंग हाइट एंड बेस। तो इसमें बेस और हाइट कोई भी कॉमन नहीं है, दैट्स व्हाई ये पहली प्रॉपर्टी यहां पे अप्लाई होगी। तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B1 इनटू H1 अपॉन B2 इनटू H2। रीजन, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। हमें हर स्टेटमेंट को रीजन लिखना जरूरी है। अब देखिए B1 की वैल्यू यहां पे दिया है 9, सो वी पुट हियर 9। H1 की वैल्यू दिया है 5, सो वी पुट हियर 5। B2 है 10 और H2 है 6। A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू, अब इसमें जो भी कॉमन टेबल में आते हैं उनका जो है कॉमन मल्टीपल हम कट कर देंगे। तो अब 5 और 10 एक ही टेबल में आते हैं, 5 वन जा 5, 5 टू जा 10। 6 एंड 9 बोथ आर कमिंग टू द सेम टेबल, 3 टेबल, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगेन इसमें कोई कॉमन आता है देखना है, कोई कॉमन नहीं आता है, दैट्स व्हाई ये सफिशिएंट हो गया। मतलब A1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू 3 1 जा 3, 2 2 जा 4। तो ये आ गया A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 4। दिस इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। प्रैक्टिस सेट 1.1 का एग्जांपल सेकेंड हम देखेंगे। इन द फिगर, ये जो डायग्राम दिया हुई है, फिगर दिया हुई है, इसमें है BC परपेंडिकुलर टू AB। जो BC है वो AB पे परपेंडिकुलर है, इट मींस BC इज द हाइट एंड AB इज द बेस। सेकेंड, AD परपेंडिकुलर टू AB, AD परपेंडिकुलर टू AB, सिमिलर दैट AD इज द हाइट एंड AB इज द बेस। BC is given 4, AD is given 8, then find area of triangle ABC upon area of triangle ADB। इसका रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। हमें हाइट इस एग्जांपल में हमें हाइट जो है वो क्लियर है, बेस कौन सा है वो भी क्लियर है। देखिए दोनों ट्रायंगल के अंदर बेस जो है वो कॉमन है, बेस कॉमन होने की वजह से इसका जो रेशियो है वो हाइट के प्रोपोर्शन, रेशियो के प्रोपोर्शन में होगा। इट मींस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट लिख लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ADB। बेस इज बेस, AB इज कॉमन, दैट्स व्हाई इसका जो हाइट है ABC की ये है BC और ABD की जो ADB की जो बेस है वो AB कॉमन है, AD जो है वो हाइट है, सो AD भी राइट हियर। अब जो स्टेटमेंट हमने लिखी उसका रीजन हमें लिखना जरूरत है। जो चार प्रॉपर्टी हमने पढ़े, चारों प्रॉपर्टी के अलग अलग रीजन होते हैं, तो उस तरीके से ये जो रीजन है इसमें बेस कॉमन है, सो वी राइट हियर बेसेस आर इक्वल। अब BC की वैल्यू यहां पे दिया 4 और AD की वैल्यू दिया 8, वी पुट हियर 4 अपॉन 8, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB।
पी, दोनों टू के टेबल में आते हैं, टू वन फोर के टेबल में भी आते हैं, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, सो यहां पे अगर रेशियो वन अपॉन टू, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी इज इक्वल टू वन अपॉन टू, दिस इज द सिंपलेस्ट रेशियो। प्रैक्टिस सेट 1.1 का एग्जांपल थर्ड हम देखेंगे, दिस ये जो डायग्राम दिया है, ये डायग्राम के अंदर हमें दिया वाला है इन एडजॉइंट फिगर सेगमेंट टी एस, दिस इज द सेगमेंट टी एस परपेंडिकुलर टू आर क्यू, आर क्यू पे परपेंडिकुलर है, सेगमेंट क्यू टी, क्यू टी परपेंडिकुलर टू पी आर, इफ आर क्यू, ये आर क्यू दिया लिया 6 एंड पी एस, पी एस इज गिवन 6 एंड पी आर 12, जो पी आर दिया लिया है P to R, this is the 12. Then find QT. तो हमें QT find out करना है। अब देखिए दोस्तों, ये जो ट्रायंगल हमें दिखा रहे हैं, एक ही ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पहला वो ट्रायंगल है PQR, या हम इसको बोल सकते हैं PRQ। तो ये PQR जो ट्रायंगल है, इसमें हमें अगर हम करते कंसिडर करते हैं RQ को बेस, तो RQ को अगर बेस कंसिडर करते हैं तो PS हो गई इसकी हाइट, ठीक है। वही ट्रायंगल में पी क्यू आर, यही ट्रायंगल में अगर बेस कंसीडर करते हैं हम पी आर, तो उसकी हाइट आ जाती है क्यू टी, ओके, मींस अकॉर्डिंग टू बेस द हाइट विल बी चेंज, तो हाइट यहां पे चेंज हो जाएंगी बेस के हिसाब से। अब ट्रायंगल, सेमी ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं, इट मींस उसका एरिया सेम आ जाएगा, मतलब एक ही ट्रायंगल के एरिया का रेशियो जो है वो 1:1 आ जाएगा। एनी एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल विद इटसेल्फ इज 1:1 बिकॉज़ हाइट एंड बेस बोथ आर द कॉमन। अब ये जो इनका जो है ये ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये ले लेंगे हम, वही ट्रायंगल ले लेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसका अगर बेस देखते हैं, पहला ये आर क्यू अगर बेस लेते हैं तो इसकी हाइट आ जाएगी पी एस, तो इसका रेशियो जो है करस्पॉन्डिंग बेस और हाइट के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब बेस है आर क्यू और हाइट है पी एस, सो वी राइट हियर आर क्यू इंटू पी एस अपॉन, अगर हम देखते हैं दूसरा बेस अगर लेते हैं पी आर, पी आर इज द बेस, इसके करस्पॉन्डिंग हाइट आ जाएंगी क्यू टी, मीन्स पी आर इंटू क्यू टी, रीजन लिख देंगे हम रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, ठीक है। अब पी एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर सेम ट्राइंगल का एरिया है, इट मीन्स इट इज 1:1, सो वी पुट हियर 1:1। आर क्यू, आर क्यू है 6, सो वी पुट रिप्लेस ऑफ आर क्यू 6, पी एस है 6, सो वी पुट हियर ऑल्सो 6। नाउ पी आर, पी आर इज गिवन हियर 12, सो वी पुट पी आर 12, क्यू टी हमें दिया लगे, सो वी पुट QT as it is. अब ये 6 के टेबल में 12 आता है, means 6 ones are 6, 6 twos are 12. I mean again here 2 ones are 2, 2 threes are 6. So 1 upon 1 is equals to ऊपर रहेगा 3 और नीचे रहेगा QT. Okay, cross multiplication कर देंगे. QT ones are QT, 3 ones are 3. So QT equals to आ गया 3. तो ये आ गया हमारी प्रैक्टिस सेट 1.1 का हम एग्जांपल देखेंगे फोर्थ। तो प्रैक्टिस सेट 1.1 का फोर्थ एग्जांपल में दिया रहा है, इन एडजॉइंट फिगर एपी परपेंडिकुलर टू बीसी, एपी परपेंडिकुलर टू बीसी ये दिया रहा है, एडी पैरेलल टू बीसी, एडी पैरेलल टू बीसी, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी। अब ये दोनों ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ये
कॉमन जो है पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं, पैरेलल लाइन के बीच में अगर ट्रायंगल आते हैं इट मींस उसकी हाइट जो है वो कॉमन, हाइट सेम होती है। अगर हाइट इक्वल होती है इट मींस वो बेस के बराबर आता है। अगर उसका बेस भी एक ही बेस पे अगर दोनों ट्रायंगल होते हैं इट मींस बेस भी कॉमन है, हाइट भी कॉमन है, बेस आर इक्वल, हाइट्स आर आल्सो इक्वल, इट मींस उनका रेशियो आ जाएगा 1:1। अब ये जो ट्रायंगल है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी बोथ आर लाइज इन अ पैरेलल लाइन, ओके दैट्स व्हाई इसकी हाइट तो कॉमन आ गई, हाइट कॉमन आ गई और ये जो बेस है हाइट इक्वल आ गई, यहां पे बेस जो है वो भी कॉमन आ गया, इट मींस इसका जो रेशियो है ये आ जाएगा 1:1। इसका रीजन हम लिखेंगे हाइट आर इक्वल एंड बेसेस आर कॉमन, ओके ये हो गया इसका रीजन, दैट्स व्हाई द एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी इक्वल्स टू 1:1। इतना हमें सफिशियंट है। प्रैक्टिस सेट 1.1 का लास्ट फिफ्थ एग्जांपल हम देखेंगे। इन एडजॉइंट फिगर पीक्यू परपेंडिकुलर टू बीसी, एडजॉइंट फिगर में पीक्यू जो है वो बीसी पे परपेंडिकुलर, एडी परपेंडिकुलर टू बीसी, देन फाइंड द फॉलोइंग रेशियोस। ये रेशियो दिया ले, ये रेशियो हमें फाइंड आउट करना है, वन बाय वन हम ये रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो हम जो ट्रायंगल देखेंगे उसमें बेस कौन सा है, हाइट कौन सी है, हमारे प्रॉपर्टीज में से कौन सा फॉर्मूला उस पर अप्लाई होता है वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसका रीजन लिखेंगे। अगर वैल्यूज दिए होते हैं तो वैल्यूज हम डाल देंगे, बट यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया नहीं है इट मींस हमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। सो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल दिया रहा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी। इसमें हम चेक करेंगे इसकी हाइट और बेस। देखिए पी क्यू बी, पी क्यू बी इसमें बेस है बी क्यू और हाइट है पी क्यू। दूसरा पीबीसी, पी बी सी इसमें बेस है बी सी और हाइट है पी क्यू। हाइट कॉमन आ गई इट मींस बेस के करस्पॉन्डिंग इसका रेशो आ जाएगा। तो इसका बेस है पहले इसका बी क्यू, सो वी राइट हियर बी क्यू, और इसका रेशो है पी बी सी का, यहां पे बी सी आ जाएगा, सो वी राइट हियर बेस बी सी। हाइट कॉमन है सो वी राइट अ रीजन, हाइट्स आर इक्वल। एग्जाम्पल सेकेंड, रेशियो सेकेंड, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब पी बी सी अगर देखते हैं, पी बी सी इसमें बेस है बी सी और हाइट है पी क्यू। दूसरा ट्राइंगल देखते हैं ए बी सी, बेस है बी सी और हाइट है ए डी। दोनों में भी बेस कैसा आ जाएगा, कॉमन आ गया, बेस कॉमन है इसका मतलब ये हाइट के प्रोपोर्शन में आ जाएगा। तो पहले इसमें पी बी सी में बेस है बी सी, हाइट है पी क्यू, तो इसके हाइट लिख देंगे पी क्यू। ए बी सी में बेस है बी सी, हाइट है ए डी, तो यहां पे हाइट लिख देंगे ए डी, ओके सो बेस कॉमन है सो वी राइट हियर बेसेस आर इक्वल। तो ये होगा हमारा थर्ड रेशियो, सेकेंड रेशियो। थर्ड रेशियो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ए बी सी बेस है बी सी, हाइट है ए डी, ए डी सी बेस है बी सी, हाइट है ए डी। हाइट कॉमन आ गई बेस के बराबर, पहले इसका बेस है बी सी, दूसरे इसका बेस है डी सी, तो बी सी अपॉन डी सी, रीजन हाइट्स आर इक्वल। और लास्ट रेशियो यहां पे दिया वाला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी। इसमें देखते हैं ए डी सी बेस डी सी, हाइट ए डी, पी क्यू सी बेस क्यू सी, हाइट पी क्यू। हाइट भी कॉमन नहीं है, बेस भी कॉमन नहीं है, मतलब
इसका रेशियो जो है वो हाइट और बेस इनके प्रोडक्ट के रेशियो के बराबर आ जाएगा। मतलब बेस ये जो एडीसी है इसमें बेस है डीसी और हाइट है एडी, बीसी इंटू एडी अपॉन पी क्यू सी में बेस है क्यूसी और हाइट है पी क्यू, सो क्यूसी इंटू पी क्यू। तो ये आ गया इसका रीजन, हम लेंगे रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल्स, और इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट 1.1